अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हूं हारिस अजमी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं पूरे हफ्ते की पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। हफ्ते का आगाज़ ही बहुत पॉजिटिव होगा। चांद की मंजिलें पॉजिटिव, जुपिटर की मंजिलें पॉजिटिव, वीनस पॉजिटिव, मार्स पॉजिटिव, चार बड़े सितारों की सपोर्ट इस वक्त आपके साथ साथ चल रही है। तिजारत में फ़ायदा होकर रहेगा, लेन देन के मामलात सीधे रहेंगे, नुकसानात के अंदेशे कम होते जा रहे हैं, लेवल ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में तजर्बाकारी को मलहूज़ खातिर रखें, रिस्क टेकिंग से ज़रा अवॉइड करें, छोटी मुश्किलात को भी अहमियत देकर रिजॉल्व करें, उसे छोटा मत समझें। छोटी मुश्किलात आपको ज़्यादा टीज़ करेंगी, बड़ी मुश्किलात से रिकवर करने के लिए आपके पास पूरा जज्बा है, लेकिन छोटी छोटी मुश्किलात आपको ज़्यादा तकलीफ देंगी। अपनी रिश्तेदारी को संभाल के रखें भाई, ये रिश्तेदारी अगर ख़राब हो जाए ना तो अच्छा खासा गोल्डन टाइम भी टीज़र बन जाता है। सो, अगर रिश्तेदारी में प्लेजर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन अच्छे हैं, दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो एक माइंड जो है बड़ा इत्मीनान रहे। अदरवाइज़ वो एंग्जाइटी, हर वक्त उधर सोचे रहना, पूरा टैलेंट जंग आलूद होकर रह जाता है, नुमाया कारकर्दगियाँ रुक जाती हैं, ये सब इश्यूज़ पैदा होते हैं। और नुमाया कारकर्दगी के लिए तो आपको छोटी से छोटी रुकावट को भी दूर करना है। तोहमत लगने के दिन चल रहे हैं, एक नेगेटिव स्टार ऐसा है जो काम आपने किए नहीं होंगे उसका भी इल्ज़ाम आप पर लग सकता है, तो थोड़ा सा मोहतात रहिए। नुमाया कारकर्दगी को गलतियों से भी पाक रखें। गलतियों को पाक रखने का तरीका तो यही होता है कि रिहर्सल कर लें, प्लान को क्रॉस चेक कर लें, रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश कर लें, ज़्यादातर रिसोर्सेज अपने होल्ड में रखें, दूसरों पर डिपेंड कम करें, मीटिंग्स खुद करें, प्लान खुद करें, पेपर वर्क खुद करें, यही गलतियों से बचा सकती है, और तो कोई चीज़ नहीं बचा सकती। ख्वाहिशात में इजाफा होगा लेकिन उसको भी कंट्रोल में रखिएगा, ये मून के ही कारस्तानी है सारी। ख्वाहिशात में इजाफा होगा तो ऐम ख्वाहिशात की रविश में बहकर अपने मेन एजेंडा से मत हट जाइएगा, अपने मेन मिशन से मत हट जाइएगा। इसलिए ख्वाहिशात को ज़रूर अपनाइए लेकिन उस हद तक अपनाइए जिस हद तक आप अपने असल मिशन के साथ इंसाफ कर सकें। अगर आप असल मिशन से हट गए तो ख्वाहिश बाद में पछतावा बन जाती होती। फैमिली की भलाई के लिए कोशिशों से इत्मीनान भी होगा, फैमिली की वेलफेयर भी होगी, मजहबी भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे जब आप दूसरों की मदद करते हैं, बहन भाइयों की मदद करते हैं, दोस्त अहबाब की मदद करते हैं, तो जारी बात है उसका एक अल्लाह ताला के हाँ भी रिवॉर्ड है। और जब आप दूसरे की मदद कर रहे होते हैं तो वो भी आपके लिए मोहब्बत के जज्बात से आपको हमकिनार करते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए प्यार के रोमानवी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये जो मून साइन है ये रोमानवी सेक्टर में आपको बड़ा ब्यूटी लविंग बनाने वाला है। इसकी वजह से आपको सुबह अच्छी होना, सुबह होते हुए अच्छी लगना, मौसम फूल खिलते हुए अच्छे लगना, और नफासत पैदा होना, पहनने ओढ़ने में खुसूसी तवज्जो देना, सो ये चीज़ें भी ये मोहब्बत के ज़ुमरे में आती हैं, ये भी आपके साथ पहने तो आपके अंदर भी लताफत बढ़ने वाली है। लेकिन इन सारी पॉजिटिविटीज़ के इवज़ लास्ट जुमला मेरा ये है कि फिर भी मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की जाए। आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बड़ी बारीक लाइन में चेंज हो रही है, ज़रा सा पाँव इधर गया तो नेगेटिविटी शुरू और ज़रा सा पाँव इधर गया तो पॉजिटिविटी शुरू। इसलिए मोहतात तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करें, जल्दबाजी ना करें, अक्ल को सामने लाएँ, मैनेजमेंट की ताकत को यूज़ करें और अल्लाह से दुआगो भी रहें। आपका स्टोन जो है वो वैसे तो येलो सफ़ायर था लेकिन वो पिछले दिनों साढ़ सत्ती चल रही थी अगस्त के सीज़न में 2017 में, तो मैंने ब्लू सफ़ायर प्रिस्क्राइब किया था जो बहुत अच्छा था सैटर्न को काउंटर करने के लिए। अगर ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है तो वो ही फिर कंटिन्यू करें। मेरे एतबार से आपको सूरह शम्स अभी भी पढ़नी चाहिए या मुसब्बिबुल असबाब अभी भी पढ़ना चाहिए, कसरत से पढ़ना चाहिए, और कोशिश करें कि लाइट साइड ऑफ ऑल शेड्स, कलर जब इस्तेमाल करें तो लाइटर साइड ज़्यादा वेयर करें, डार्क साइड ज़रा अवॉइड करें। उम्मीद करता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। सात ही दिन गुजारने हैं इस इन्फॉर्मेशन से, अगले हफ्ते की जो पेशन गोइयाँ हैं वो फुल मून की पेशन गोइयाँ होंगी, एंड फुल मून एक बड़ी अहमियत का हामिल है। उस हफ्ते जब मैं फुल मून की पेशन गोइयाँ कर रहा हूँगा तो डीप पेशन गोइयाँ करूँगा, वो आपके लिए और ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। लेकिन उसके लिए चैनल के साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले हफ्ते की वीडियोस बर वक्त आपको मिल सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।